नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए सरकार ने 22 मार्च से ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी थी। हालांकि प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने फिर कुछ स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी, जिसके बाद लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। वहीं अब जहां एक तरफ 7 सितंबर से मेट्रो परिचालन को हरी झंडी मिली है, तो दूसरी तरफ रेलवे की तरफ से भी जल्द 100 और ट्रेनें चलाने की घोषणा हो सकती है। अब भारतीय रेलवे भी जल्द करीब 100 और ट्रेनें चलाने की घोषणा कर सकता है। त्यौहार के सीजन को देखते हुए रेलवे अब इसकी तैयारी कर रहा है। अभी रेलवे केवल 230 एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है, जिनमें 30 राजधानी भी शामिल हैं। इन सभी को स्पेशल ट्रेन की तरह चलाया जा रहा है। जिन 100 ट्रेनों को चलाने की तैयारी है, उन्हें भी स्पेशल ही रखा जाएगा। ये ट्रेनें इंटर स्टेट चलेंगी और इंफ्रा स्टेट भी होंगी। सूत्रों के अनुसार रेलवे मंत्रालय को गृह मंत्रालय से अनुमति का इंतजार है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि अगले 2 महीने या अप्रैल में जब रेलवे जीरो बेस टाइम टेबल जारी करेगा, तो इन ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय पहले से ही चरणबद्ध ढंग से रेल सेवाएं शुरू करने की बात कर चुका है। यात्रियों की डिमांड और कोविड के हालात को देखते हुए ट्रेनें चलाई जानी थी, मगर बार बार प्लान स्थगित कर दिया गया। अब जब केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के तहत सितंबर के दूसरे हफ्ते से मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है, तो बड़े पैमाने पर वर्क फोर्स एक जगह से दूसरे जगह जाएगी। त्योहारों का मौसम भी करीब है, ऐसे में ट्रेनों की डिमांड बढ़ जाती है। रेलवे अधिकारियों ने JEE और नीट देने जा रहे परीक्षार्थियों को थोड़ी राहत दी है। मुंबई के उपनगरीय ट्रेनों में ये छात्र अब चढ़ पाएंगे। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के स्टेशनों पर उन्हें सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। अभी लोकल ट्रेनें केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए चल रही है और उन्हीं को चढ़ने दिया जाता है। स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए चुनिंदा स्टेशंस पर एडिशनल बुकिंग काउंटर्स खोले जाएंगे। रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल मार्च से 1.78 करोड़ से ज़्यादा टिकट रद्द किए हैं। ये जानकारी RTI से मिली है। इसी दौरान 2727 करोड़ रुपए की रकम वापस की गई है। रेलवे ने 25 मार्च से ही अपनी यात्री ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी थी। इस तरह पहली बार रेलवे को टिकट बुकिंग से जितनी आमदनी हुई, उससे ज़्यादा रकम वापस की गई। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि संकट की घड़ी में रेलवे 100 और ट्रेनें चला सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।